नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय कुबेर महाराज, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं माता रानी और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान कुबेर महाराज जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, आप सभी को बराबर धन संपदा देना, सभी को बराबर खुशियां देना। प्रभु, मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य देवता भगवान शनि देव जी का एक निराला खेल शुरू होगा। जी हां दोस्तों, जिससे आपकी जिंदगी को ही पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। बहुत बड़ा सच्चाई सबके सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, सच्चाई जानकर बिल्कुल भी घबराना मत, हो जाइए सावधान। और आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि दोस्तों भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी का निराला खेल शुरू होगा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। घर, गाड़ी, बंगला, प्यार, पैसा, इज्जत, आखिर क्या क्या आपकी किस्मत में लिखा है जान लो, वह सारा चीज आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको इस शुभ अवसर का लाभ मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, 100% सटीक भविष्यवाणी करेंगे, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आप किस समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। और जो जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, इसे जानकर आप अपने जीवन की उन सभी सुखों का लाभ ले पाएंगे जो सुख आपको चाहिए। जी हां दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो कि अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हां दोस्तों, मजाक समझने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे और जिंदगी भर रोते रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और आपकी जिंदगी में भौंकाल मचने वाला है। जी हां दोस्तों, भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी इतना बड़ा चमत्कार करेंगे कि आप अगले 7 जन्मों तक याद रखो कि ऐसी चमत्कार आपकी जिंदगी में पहले ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा जो चमत्कार होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो जो शुरू लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह बेवकूफ से भी बड़ा महाबेवकूफ कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने पूरी जांच परख करने के बाद ग्रह गोचर के आधार पर आज की यह वीडियो का निर्माण हुआ है। ऐसा कौन सा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है? आपके व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी क्षेत्रों में कौन कौन से परिवर्तन होंगे? किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी? कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे? सारा चीज A to Z हमने आज की वीडियो में विस्तार से बताया है। बस थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बधाई हो, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, माता रानी लक्ष्मी जी आपका घर पैसों से भर देगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उनकी स्वागत में कोई भी गलती मत करना और ना ही कोई कमी रहने देना, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी अब आपको धरती पर ही वो सुख देने वाले हैं जिन सुखों के बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी है जो कि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर आगमन हो रही है, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी सभी के घर नहीं जाती है। अगर वह आपके घर आ रही है तो आपको मालामाल बनाकर ही छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार अब आपको वो संकेत मिलने वाला है। यूं कहे तो आपका भाग्य ही बदलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपके घर झांक रही हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस समय गुरु पुष्य अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग बना है जो कि दोस्तों
इस योग से धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पड़ने वाली है। अब आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता, आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यह घटना आपको अमीर बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि आपको 10 लाख की संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मौके पर चौका मारने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अब आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, भगवान ने चाहा तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा चमत्कार होगा और यह चमत्कार आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। लेकिन इस मौके का लाभ उठाना आपको आना चाहिए, क्योंकि सभी कोई इस मौके का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मात्र गिने चुने ही कुछ लोग होते हैं जो कि सही समय पर सही मौके पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करके अपने किस्मत को चमका सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण राज्य के बारे में बताने वाले थे, जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है, वह समझना है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी का निराला खेल शुरू हो रहा है, तो आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। सबसे पहले ही बेरोजगार लोगों के लिए खुशखबरी है, उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। किसी कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से उन्हें बुलावा आ सकता है, या जो लोग जॉब की तैयारी करते हैं तो उन्हें जॉब भी अब मिल सकता है, और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होगा। लेकिन जो लोग बड़े व्यापारी हैं उन्हें बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए अति उत्तम समय है। बस इस समय का लाभ उठाएं। आज आप तन मन से जो भी कार्य कर देंगे उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि ग्रहों की जो शुभ स्थिति है यह आपके लिए भाग्य उदय का निर्माण कर रही है। बस जरूरत है आपको सही समय पर सही चीजों का पहचान करने की। दोस्तों, आज न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जो कि आप इसे अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि, देखिए दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि देव जी कहते हैं, सपने उनके पूरे नहीं होते हैं, जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। क्योंकि आप जिस प्रकार से सोचते हैं आपका माइंड उसी प्रकार से काम करता है, और यह बात बिल्कुल सही है। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा इतनी ही बड़ी चुनौतियां होंगी। जी हां, और यही प्रकृति का नियम है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने के लिए नहीं बल्कि लोगों को परेशान करने के लिए आए हैं। गुरु जी के इन बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज आपको कई बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके घर धन का आगमन हो रही है। आज आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके घर से कोई नाराज होकर ना लौटे, नहीं तो धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती है। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आज आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आपका पूरा घर धन दौलत से और रुपए पैसे से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का समय आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सितारे कहते हैं यह समय आपको धन दौलत मिलने वाला है, चाहे किसी भी क्षेत्र में मिले लेकिन आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि यह समय आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। चाहे फंसा हुआ धन मिले या रुका हुआ धन मिले या फिर अचानक से लाभ हो, लेकिन लाभ जरूर होगा। दोस्तों, आज का जो समय है वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण समय है। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा होने वाला है। जी हां, बहुत बड़ी संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है। जी हां, क्योंकि दोस्तों
धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी इस राशि के जातकों के ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। अब आपके पास घर भी होगा, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी और पैसा भी होगा। जी हाँ, लेकिन आप अपने जीवन में निरहंकारी रहना, क्योंकि सुख हो चाहे दुख इंसान के जीवन में हमेशा तक नहीं रहता है। अगर अच्छे कर्म करोगे और जो भगवान आपको देते हैं उसे अच्छे से सदुपयोग करो कि लोगों का भला करोगे, दान पुण्य करोगे, तो भगवान हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और हमेशा ऐसे ही आपको देते रहेंगे। क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को देने में भी वक्त नहीं लगाते हैं और बुरे लोगों से लेने में भी वक्त नहीं लगाते हैं। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा। आगे वीडियो में आपको कुछ सावधानियां बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें नहीं बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। व्यावसायिक मामलों में अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। रुके हुए कार्यों को गति देने का अनुकूल समय है। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। मित्रों के साथ मुलाकात तथा मनोरंजक पर्यटन का आयोजन भी हो सकता है। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती हैं। ये तात्कालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक विचार और क्रोध को दूर रखने से आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। कारोबार में बेहतरीन ऑर्डर मिलेंगे, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी, वाद विवाद बढ़ भी सकते हैं। घर में सुख शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को ताजा करेगी। इस समय दुविधा बनी हुई है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से जरूर कोई हल मिलेगा। शांति व सुकून चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी कुछ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को मनचाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी कार्य करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, इसकी वजह से आपकी भी आलोचना और निंदा संभव है। रिश्तेदारों के आगमन से आपके कुछ कार्य बाधित भी होंगे। पूरा ध्यान कारोबार पर लगाएं। आप जिस काम को बहुत सहज और सरल समझ रहे थे वह बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होगा। आप दृढ़ निश्चय और आत्मबल बनाकर रखने से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहें, अन्यथा विवाहित जीवन में परेशानी आ सकती है। अनुकूल समय है। आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आने से सुकून मिलेगा। किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे। आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर ही रहेगी। इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अति आवश्यक है। स्वभाव में शक और संशय जैसी स्थिति आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभदायक अनुबंध मिलने के योग्य बन रहे हैं। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखना भी जरूरी है। ऑफिशियल कार्य व्यवस्थित रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इस समय भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी रुका हुआ कार्य भी संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित बेहतरीन उपलब्धि मिलेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी से सलाह मशवरा कर लें। घर की कोई मूल्यवान वस्तु के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने की योजना भी बनेगी। कार्य क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें।
इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप करने की योजना है तो तुरंत निर्णय ले। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव रह सकता है। घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आज परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, ये फैसले सकारात्मक रहेंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रहे गिले शिकवे को दूर करने का अनुकूल समय है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई पर लगा रहेगा। अपने खर्चे सीमित रखें, कुछ समय आत्म मनन और आत्मचिंतन में जरूर लगाएं। आपकी ही किसी जिद की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। गृह स्थिति अनुकूल है, अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से गति देने की जरूरत है। इससे आर्थिक प्रयासों में और अधिक सुधार आएगा तथा लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। अपनी भावुकता और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल करें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कहीं भी आवाजाही से परहेज करें तो बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना लाभकारी रहेगा। मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। दूर दराज के क्षेत्र से संपर्क बनेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध मधुर रखें। जल्दी ही प्रमोशन हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंग में गलत फहमियां हो सकती हैं, इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। मित्रों तथा संबंधियों के संपर्क में बने रहे, आपको नए नए अनुभव मिलेंगे। वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन और परामर्श भी आपके लिए सहायक रहेगा। संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की राय अवश्य ले। व्यवसाय क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। इस समय बहुत अधिक मेहनत व परिश्रम की आवश्यकता है। राजनीतिक और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। गैर कानूनी कामों से दूर रहें। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। आपको जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में तथा प्रकृति के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। साथ ही कलात्मक व रचनात्मक संबंधी कार्यों में भी आपका रुझान बना रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकते हैं। इस समय उनका ध्यान बाहरी गतिविधियों तथा मौज मस्ती में लगा रहेगा। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए नए काम की शुरुआत स्थगित रखें और मौजूदा काम पर ध्यान दें। अन्य काम के प्रति आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नुकसान होने की संभावना लग रही है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का भी मतभेद न उत्पन्न होने दें, क्योंकि इससे घर की व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। कुछ खास जानकारियां भी मिलेंगी। आपके बेहतरीन प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ेंगे। बच्चे व्यवस्थित माहौल बनाकर रखेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोए और किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से सोच विचार करके ही संपन्न करें। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ेगा। आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें। आज का दिन राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को नौकरी को लेकर
कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है जो आपको परेशान करेगी। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। पिताजी को यदि कोई रोग सता रहा था तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप किसी को धन उधार देने से बचें। आप यदि किसी बिजनेस के काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका कोई विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। आपका यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी आज बातचीत के जरिए दूर होगा। आज आप अपने कामों पर पूरा ध्यान देंगे। रोजगार की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके हाथ आपका डूबा हुआ धन लग सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय में कामों को योजना बनाकर करना होगा। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आपको अपनी किसी गलती को दोहराने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। आपने यदि किसी प्रतियोगिता को दिया था तो इस सप्ताह उसके परिणाम भी आ सकते हैं। आपकी अपने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके यश और कीर्ति बढ़ाने वाला रहेगा। विद्यार्थी नौकरी के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आप संतान की तरक्की देखकर प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे जो उनके बिजनेस में चार चांद लगाएगी। आपको किसी कानूनी मामले को लेकर सावधान रहना होगा। भाई व बहनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको कुछ पुराने गिले शिकवे उखाड़ने से बचना होगा। आज आप अपने परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। आप किसी से कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि किसी के मन को ढेस पहुंचे। आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके हाथ अच्छा धन लगने से आपको अपने कुछ बेफिजुअल के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़कर कुछ धन संचय करने के बारे में भी सोचें। आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या यदि लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह परेशान कर सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, नहीं तो उनके काम लटकने से उनके साथी भी परेशान रहेंगे। आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके बिजनेस में यदि कुछ धन डूबा हुआ था तो वह आपको मिल सकता है। आपको कोई किसी काम को पार्टनरशिप में करने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत की आवश्यकता होगी। यदि भाई या बहन के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। यदि आपने अपने धन को शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए कोई प्लानिंग की है तो आपका वह प्लान सफल रहेगा। आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं में डील देने से बचना होगा व उन पर आप पूरी निगरानी बनाकर रखें, तभी वह दूर होती दिख रही है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से अकस्मात कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपको वैवाहिक जीवन में अपने साथी की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी लड़ाई झगड़े की वजह बन सकता है।
आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि धन उधार देंगे तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब होने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की याद सता सकती है। आपको अपनी संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर चिंता रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी।